अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजप पक्ष सत्ता उपर छे त्यारे गया वर्ष में रुपया 9000 करोड़ अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्षिक बजेट छे ने गया वर्ष बजेट में अमदावाद शहर ना तमाम वोर्ड में एक व्हाइट टॉपिक रोड बनावानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं पण मात्र 6 जेटला ज व्हाइट टॉपिक रोड बनावामां आव्या छे एमांथी मात्र 2 ज व्हाइट टॉपिक रोड पूर्ण थयो छे। आम विरोध पक्षना नेता शहजाद खान पठाणनी प्रतिक्रिया सामे आवी छे। हर साल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्षिक बजट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ पेपर पर ही रह जाते, उनका काम पूरा नहीं होता। सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस साल के बजट में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि अहमदाबाद शहर के हर वार्ड में 2 व्हाइट टॉपिंग के रोड बनाए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये व्हाइट टॉपिंग वाला आइडिया व्हाइट वॉश हो चुका है, यानी कि यह वादा पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ है। इस साल का खत्म होने में 8 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी 4 महीने वार्षिक बजट का साल पूरा होने में 4 महीने बाकी है और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 6 ही व्हाइट टॉपिंग के रोड बनाए गए हैं, जिसमें से 2 रोड के काम 100% पूरे हो चुके हैं और 4 रोड के काम प्रगति पर है। यानी कि अभी तक हर वार्ड में जो 2 व्हाइट टॉपिंग के रोड बनाने थे, यानी कि कुल 96 रोड बनाने थे 250 करोड़ की लागत से, लेकिन ये वादा भारतीय जनता पार्टी का झूठा साबित हुआ और अभी तक सिर्फ 6 रोड के काम प्रगति पर है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि ये साल भी पूरा हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो व्हाइट टॉपिंग का अहमदाबाद शहर की जनता को वादा किया था, वो वादा हमेशा की तरह झूठा ही साबित होगा।